नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिलहाल चल रहा है, जिसका नाम जो है पूरी दुनिया में बार बार इस समय में लिया जा रहा है। और समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, केवल और केवल G20। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस, ये सेशन जो होने वाला है वो G20 के क्वेश्चंस को लेकर के होगा। G20 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस वाइज ही डिस्कस करेंगे, जो भी थ्योरी पार्ट आएगा इसके अंदर हम देख लेंगे अच्छे से कि कहाँ से क्या क्वेश्चन जो हों बनते हैं। एंड वी होप यहाँ के अलावा कोई क्वेश्चन जो हों बनने भी नहीं चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द G20 फाउंडेड, G20 कब बना, G20 जो है वो पहली बार कब बनाया गया। G20 जो है वो ग्लोबल इकोनमी को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल इकोनमी के मेन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। 1997 से 1999 के बीच में जो क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था ग्लोबली, तो उसको ध्यान में रखते हुए G20 का फॉर्मेशन जो है वो किया गया, या G20 की फाउंडेशन जो है वो रखी गई। तो G20 की फाउंडेशन जो है वो कब रखी गई, 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए इसकी फाउंडेशन रखी गई। तो डेट भी आप याद रख सकते हैं, ईयर आपको याद रखना ही रखना है, 1999 में फाउंड किया गया किसको, G20 को, 26 सितंबर 1999 को। और ये सब कुछ जो मेन, जो इसका जो बेस है, मेन जो इसकी फाउंडेशन है वो ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ही की गई। ये चीज़ों को बहुत सिंपली धीमे धीमे याद करना होता है, जो हमारा हमेशा का फार्मूला है कि आप बेसिक सी चीज़ें जो हैं हमेशा डिस्कस करते चले जाइए, हमेशा याद रखते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ G20, G20 का मेन पर्पज जो है वो क्या है। मिल जाएगा इनमें से कोई ना कोई, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल और केवल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए G20 का फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, जी नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड का 1% भी मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टू फाइट क्लाइमेट चेंज, जी नहीं, क्लाइमेट चेंज के लिए इसका फाउंडेशन नहीं रखा गया। टू फैसिलिटेट ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यस, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए G20 जो बनाया गया है। ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया है। दूसरा लास्ट का ऑप्शन भी देखेंगे, टू कॉम्बैट टेररिज्म, जी नहीं, ये टेररिज्म के लिए नहीं है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, टू फैसिलिटेट ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20, G20 का इनमें से जो मेंबर है वो कौन नहीं है। इनमें से जो ब्राज़ील जो है वो G20 का मेंबर है, चाइना जो है वो G20 का मेंबर है, इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है, पाकिस्तान जो है वो G20 का मेंबर नहीं है। तो आपको ऑप्शन मिल गया पाकिस्तान। वेयर इज G20 समिट हेल्ड इन 2022, 2022 की G20 का सम्मेलन जो है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था। अब देखो, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें प्रेजेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, पास्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो प्रेजेंट का आपको पता है न्यू दिल्ली, यानी कि भारत में ये क्या हो रहा है, G20 का सम्मिट हो रहा है, G20 का सम्मेलन जो भारत में रखा गया है अभी फिलहाल जो हो रहा है अभी, ठीक है। इससे पहले सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इससे पहले सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में हुआ है। इसके मतलब पिछला जो G20 का जो सम्मिट है वो कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रेजेंट जो सम्मिट है वो कौन से नंबर की, ये 18वीं सम्मिट है, यानी 18वां सम्मेलन है, ये 18वां सम्मेलन। इसका मतलब आपसे कोई पूछ ले कि 17वां सम्मेलन जो है वो कहाँ रखा गया था,
इंडोनेशिया 2022 में। अगला जो सम्मेलन है वो कहाँ पर रखा जाएगा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कहने का मतलब अगला यानी कि 19th समिट जो है वो कहाँ पर रखा जाएगा, वो होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, रियो डी जेनेरो, जेनेरो जो भी स्पेलिंग है भाई, अच्छे से हमें भी नहीं आती, जे से शुरू होता है सर, ठीक है, जेनेरो, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 19th समिट होगी G20 की। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ G20। फिलहाल G20 के चेयरपर्सन जो हैं वो कौन हैं, जो देश होस्ट कर रहा है लगभग उसके चेयरपर्सन भी कौन हैं, वही हैं। तो फिलहाल इसको होस्ट करने वाले देश का नाम क्या है, भारत है। और भारत से कौन चेयरमैनशिप कर रहा है इसकी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो G20 के चेयरपर्सन हैं फिलहाल। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं, आपको भी समझ में आती हैं चीज़ें कि नॉर्सेट जो है और अदर एग्ज़ाम जो हैं वो करंट अफेयर्स में G20 जो उनका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डू G20 लीडर्स मीट, यानी G20 के जो लीडर्स हैं वो कैसे मिलते हैं, मतलब कितनी देरी से मिल लेते हैं, यानी कि कितने समय से वो मिल लेते हैं, या कहने का मतलब एनुअली मिलते हैं, बाई दो साल में, हर 3 साल में, हर 5 साल में। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर भी कि G20 की जो सम्मिट है वो ईयरली होती है, हर एक साल से G20 की सम्मिट जो रखी जाती है। वर्तमान में G20 की सम्मिट जो है वो भारत में रखी गई है और अगले साल लगभग इसी समय ये जो सम्मिट है वो कहाँ पर रखी जाएगी, ब्राज़ील में रखी जाएगी। समझ में आनी चाहिए चीज़ें, हर साल इसके लीडर्स जो हैं वो हेड्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 सम्मिट हैपनिंग इन इंडिया, जो भारत में सम्मिट हो रही है उसकी थीम क्या है, सबको पता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन पता भी होना चाहिए, जो बच्चे करंट अफेयर्स के टच में नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैटर कर जाता है। क्या है थीम, शेपिंग एन इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड, जी नहीं, फाइटिंग पुअर्टी विद रिजिडिटी, नहीं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यस, वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और भारत देश ने अपना लोहा मनवाया है इस चीज़ के लिए, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर, जी नहीं, करेक्ट ऑप्शन है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट सम्मिट ऑफ G20 हेल्ड, G20 की जो पहली सम्मिट है वो कहाँ पर हुई थी, 2008 में कहाँ पर हुई थी इसकी पहली सम्मिट, USA, वाशिंगटन USA के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी जो पहला सम्मिट जो इसका है वो USA में हुआ था, USA वाशिंगटन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर इज द लोगो ऑफ G20 2023 सम्मिट इंस्पायर्ड, G20 का जो 2023 की जो सम्मिट है जो भारत के अंदर हो रही है इसका लोगो कहाँ से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए इसका लोगो जो है वो अर्थ को एक लोटस के फ्लावर पे दिखाया गया है, हमने यहाँ पर लिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, जो जगह जगह पर लोगो लगे हुए गूगल कर सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये लोगो जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये लोगो भारत के ट्राई कलर यानी इंडियन फ्लैग से लिया गया है, नेशनल फ्लैग से ये लिया गया है। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कहाँ पर, भारत के नेशनल फ्लैग से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th एनुअल G20 समिट 22 वाज होस्टेड बाई, देखो 18वीं भारत कर रहा है, इसके पिछली हमने अभी डिस्कस कर लिया कहाँ पर, इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा, 19वीं जो हो ब्राज़ील होस्ट करेगा 2024 की। इंडिया इज अज्यूमिंग द प्रेजिडेंसी ऑफ G24, भारत को इसकी प्रेजिडेंसी कितने साल के लिए मिली है, 1 साल के लिए इसकी प्रेजिडेंसी मिली है, G20 की प्रेजिडेंसी भारत को 1 साल के लिए मिली। हाउ मेनी कंट्रीज आर दियर इन G20,
देखो G20 में आज तक 19 कंट्री, आज तक कितने 19 कंट्री प्लस EU जो है वो शामिल था। EU में खुद में ही बहुत सारे कंट्रीज हैं, 27-28-29 कंट्रीज हैं। तो लेकिन अब जो है वो कौन एक और शामिल हो गया है इसी यूरोपियन यूनियन की तरह से, 19 नेशंस प्लस EU प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्रीज़ हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ ले, जब हमने आपको थ्योरी बेस बता दिया है, 19 नेशंस है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। EU में पहले 27 थे, बाद में क्रोएशिया आया तो 28 हो गए थे, और अब शायद कोई एक नेशन जो है इससे बाहर निकल गया है, तो ये वापस शायद इसके अंदर जो हूँ 27 नेशंस ही हैं। डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में भी किसी समय में, कि यूरोपियन यूनियन में फ़िलहाल जो हो कितने मेंबर नेशंस हैं। आई थिंक 27 ही है, और कुछ प्लस माइनस हुआ है तो देखना पड़ेगा। पहले 27 था, 2013 में क्रोएशिया बना, इसके साथ में तो 28 हो गए थे, कोई एक विड्रॉ कर गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट 19th G20 समिट इन 24। पढ़ लिया हमने कौन, रियो डी जेनेरो, कौन, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड टू द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ G20। अभी नया कंट्री कौन सा इन 2023 इसमें 18 समिट में, कौन से कंट्री को, किसको, नॉट कंट्री, किसको परमानेंट मेंबरशिप दी गई है। पाकिस्तान को जी नहीं, अफ्रीकन यूनियन जी, सबको पता है आपको कल के अनाउंसमेंट में G20 की समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दी गई है। अफ्रीकन यूनियन जो 55 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज, अफ्रीकन यूनियन का चेयरपर्सन कौन है। आपको पता है कल जब उनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई, परमानेंट सीट दी गई G20 में, तो अजाली असोमनी जो है वो उठ कर के आए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से गले मिले और उन्होंने अपनी सीट ग्रहण की। तो ये कौन है, अजाली असोमनी, क्या है ये, चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के, जो कि 55 नेशंस को, 55 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ 18th समिट ऑफ G20 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ पर हुई है भाई 18वीं समिट जो है, आपको पता है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, ये भारत मंडपम बनाया गया प्रगति मैदान में, और यहाँ पर ही G20 समिट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20। G20 में देखो वैसे सारे के सारे काफ़ी सारी लैंग्वेजेज हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तीन ही है, इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश तीन लैंग्वेजेज हैं। हिंदी जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज यूज़ होना एक अलग बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज होना एक अलग बात है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तीन ही है, इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश, ये हिंदी जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और तीन का मतलब इसके अलावा और कोई है क्या, जी नहीं, केवल और केवल ये तीन ही है, इनके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं। अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी कंट्रीज, आपको पता है 55 कंट्रीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इज, इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है। आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, भारत के साथ रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, बहुत ही यंग हैं और भारत के साथ में मजबूत रिश्ते हैं इनके। जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो फिलहाल इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लगता है ये क्वेश्चन। इस सेशन में हमने G20 को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की है, और यहाँ से क्वेश्चंस हमें प्रोबेबल लगता है आने वाले नॉर्सेट या फिर अदर एग्ज़ाम्स में भी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चंस के साथ में सेशन के बाद में फेमिलियर हो जाएंगे। थैंक यू।